अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन का मुसबत इस्तेमाल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल उर्दू कॉपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सो सबसे पहले हम तारुफ़ देखते हैं। सेल फोन या मोबाइल फ़ोन हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। मोबाइल फ़ोन के बगैर हमारी ज़िंदगी का तसव्वुर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम मोबाइल फ़ोन से होता है। हर चीज़ के अपने फ़वाइद और नुकसान होते हैं और मोबाइल फ़ोन के भी अपने मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं, मगर आज के इस मज़मून में हम सिर्फ मोबाइल फ़ोन के मुस्बत इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कम्युनिकेशन, यानी कि मुवासलात। मोबाइल फ़ोन का पहला मुस्बत यानी कि पॉजिटिव जो पॉइंट है वो है मुवासलात। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप किसी भी वक्त कहीं से भी किसी से भी राबता कर सकते हैं। आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं वो साइज़ में छोटे और वज़न में हल्के हैं, जिसकी वजह से इन्हें ले जाना में आसानी होती है, यानी आप इसे जेब में भी ले सकते हैं। आपको रिसीवर के पास बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन किसी भी चीज़ से मुंसलिक नहीं है। सेकंड है एंटरटेनमेंट, यानी कि तफरीह। मोबाइल फ़ोन लामहदूद तफरीह का ज़रिया बन गया है। वो चीज़ें जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मोबाइल फ़ोन में मौजूद होंगी, अब मुमकिन हैं। स्मार्टफोन्स वजूद में आ चुके हैं, जो ना सिर्फ आपको कॉल करने में मदद देते हैं बल्कि आपको गेम खेलने, मौसीकी सुनने और बहुत सी दूसरी चीज़ों करने की इजाज़त देकर तफरीही रहने में भी मदद करते हैं। मोबाइल फ़ोन यहाँ तक के बच्चों के जहन साजी को बढ़ाने के लिए खसूसी एप्स के साथ आता है, जो कि बहुत अच्छा है। मुतालिया में फ़ायदा मंद। अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई या कारोबार में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड्रॉयड, एप्पल, आईओएस और विंडोज़ फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स तालीमी ऐप्स के साथ आते हैं, जो आप कॉलेज में होते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कारोबार में हैं तो आप स्काइप और गूगल हैंगआउट जैसी एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं, जो आपको चलते फिरते अपने क्लाइंट्स यानी कि ग्राहक के साथ बातचीत करने में मदद देगी। तंजीम यानी कि बिजनेस या जॉब्स में मदद करता है। अब मोबाइल ऐप्स के साथ आप याद दहानियां तरतीब दे सकते हैं, कैलेंडर पर अहम तारीखें लिख सकते हैं, अपने निज़ामुल औक़ात पर नज़र रख सकते हैं और अपने फ़ोन पर नोट लिख सकते हैं। ये नौ उम्रों के लिए स्कूल, काम या दीगर जिम्मेदारियों से बाखबर रहने के लिए इंतहाई मददगार साबित हो सकता है। मददगार यानी कि हेल्पफुल। हंगामी हालात में मदद। एमरजेंसी की सूरत में स्मार्टफोन ज़रूरी आलात हो सकते हैं। अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो वो किसी से राबता करने का एक तेज़ और आसान तरीका है। मज़ीद बरा ट्रैकिंग सर्विसेज आपको इस सूरत में दूसरों के मकामात को देखने की इजाज़त देती हैं। जब कोई शख्स लापता हो या ख़राब यानी कि बुरी सिचुएशन या परेशानी की हालत में हो, मालूमात तक रसाई की दौलत फराहम करता है। अगर सही हालात में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से तरीके हैं कि स्मार्टफोन तलबा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तालीमी ऐप्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब और यहाँ तक कि यूट्यूब पर तालीमी वीडियोस देखकर भी सीखा जा सकता है। सेहत और तंदुरुस्ती के वसाइल। बहुत से स्मार्टफोन ऐप सेहत से मुतल्लिक मालूमात फराहम करते हैं और सेहत के मुतल्लिक मुख्तलिफ मसाइल के बारे में मावनत फराहम करते हैं।
ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो दिमागी सेहत की मदद फराहम करती हैं और यहाँ तक कि उठने और हरकत करने में या ज़्यादा पानी पीने के लिए याद दहानी भी तरतीब दे सकती हैं। खुलासा ये कि मोबाइल फ़ोन के बहुत से फ़ायदे हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप किसी भी वक्त कहीं से भी किसी से भी राबता कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों ये ऐसे आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू कॉपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।